हेलो दोस्तों, अपर्णाज रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं शक्कर पारे, पर बिना मैदा के। आज के शक्कर पारे हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, और मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर कितनी अच्छी लेयर्स बनती है। ये शक्कर पारे बहुत ही खस्ते बनते हैं। जैसे नान का टाइम मुँह में खुलती है ना, वैसे ये शक्कर पारे मुँह में डालते ही खुल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें लगेगा आधा कप चीनी, जितनी चीनी है उतना ही घी और पानी लिया है, मतलब आधा कप घी और आधा कप पानी। अब कोई भी मीठी चीज़ हो तो थोड़ा सा नमक डालो तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा नमक लिया है। यहाँ पर लिया है 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2.25 कप गेहूँ का आटा और 1 बड़ा चम्मच सूजी। ये रेसिपी वैसे दिखने में आसान है, पर परफेक्ट शक्कर पारे के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी, जो मैं वीडियो में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर बताऊँगी। तो एक छोटे बर्तन में चीनी डालेंगे और उतना ही पानी डाल देंगे, और लो फ्लेम पर हमें इसे चलाते रहना है। ध्यान रखें दोस्तों, चीनी को हमें पानी में बस अच्छे से घुलने देना है, चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी। तो देखिए, ये चीनी पानी में अच्छे से घुल गई है, तो गैस को कर देंगे बंद और इसे होने देंगे अच्छे से ठंडा। अब ये मिश्रण अच्छे से ठंडा हुआ है तो इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल कर ले लेते हैं। इसमें हम शक्कर पारे के लिए डो बनाएंगे। तो पहले इसमें गेहूं का आटा डाल देते हैं। आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एकदम कप से नाप कर एग्जैक्टली 2 कप गेहूं का आटा डाला है। बचा हुआ 1/4 कप आटा हम बाद में ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। अब ये सूजी डाल देंगे और स्वादानुसार नमक। अब हमें इसमें घी डालना है। तो यहाँ पर ये घी को हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। ये गर्म घी का मोयन खस्ते शक्कर पारे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स को आप सही से फॉलो करो, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर घी का मोयन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो शक्कर पारे तलते समय तेल में घुल सकते हैं, और अगर कम हो जाए तो शक्कर पारे थोड़े से हार्ड बन सकते हैं। तो मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अब चम्मच से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो एक बार इसे हाथों से चेक करते हैं, थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है ये अभी। तो इसमें ये थोड़ा सा 1/4 कप आटा जो हमने साइड में रखा था ना, वो आराम से आ जाएगा। ट्रस्ट में दोस्तों, आप इसके शक्कर पारे खाओगे ना, आपको लगेगा जैसे नान कटाई खा रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत खस्ते बनते हैं ये। आप इन्हें एक बार ज़रूर बना के देखें। इसे मैं ज़्यादा रगड़ नहीं रही हूँ, हमें इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। तो मोयन की वजह से इसमें जो रफ टेक्सचर आया है ना, वही हमें शक्कर पारे के अंदर लेयर बनाने में काम आएगा। तो इसे बस एक जगह पर इकट्ठा करें और 30 मिनट के लिए इसे ढककर रखें। अब 30 मिनट के बाद जब हमने इसे खोला है, ये मिश्रण अच्छे से सेट हुआ है। पर बस 1 चम्मच पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि हम आसानी से इसका गोला बना पाए और आसानी से इसे बेल पाए। तो यह है अपना शक्कर पारे का परफेक्ट डो। इसे बेल कर ले लेते हैं। बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, नहीं तो अच्छी लेयर्स नहीं आएगी। तो ये हमने इसे थोड़ा सा मोटा बेल लिया है। अब साइड में जहाँ पर ये ब्रेक हुआ है ना, वो पोर्शन हम हटा देंगे, और अब आपके मन चाहे साइज में शक्कर पारे आप काट सकते हो, और शेप आप डायमंड या स्क्वायर रख सकते हो। मैं इसे स्क्वायर शेप में काटूंगी, बहुत सुंदर दिखते हैं ये। तो ये देखिए, ये हमने इसे काट लिया है। इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे, और इनका थिकनेस देखिए दोस्तों, इसे हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा है। तो सारे शक्कर पारे हम ऐसे ही काट कर रेडी करेंगे। अब तलने के लिए इम्पोर्टेंट टिप है तेल का टेम्परेचर। तेल हमें चाहिए मीडियम हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और इसे चेक कैसे करना है, एक आटे का छोटा सा बॉल हम इसमें डाल देंगे। देखिए, एकदम से ये ऊपर उठकर भी नहीं आ रहा है, पर इसके नीचे थोड़े से बबल्स आ रहे हैं,
तो शक्कर पारे के लिए तेल इतना ही गर्म होना चाहिए और शक्कर पारे डालने से पहले गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। अब हाथों से या कलछी से आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है इनमें शक्कर पारे डाल दीजिए। डालने पर तुरंत इसे ना चलाएं, 30 से 40 सेकेंड्स के बाद इन्हें चलाना स्टार्ट करें। तो देखिए इनका कलर धीरे धीरे से चेंज होता दिखेगा आपको। अभी लाइट की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने फूलते हैं और कितने अच्छी परत आती है इसमें। कंटिन्यूस भी चलाते ना रहे, बीच बीच में 15-20 सेकेंड्स के गैप में आप इन्हें पलट सकते हो। और अब ये देखिए, यहाँ पर आप इन लेयर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठंडा होने के बाद मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखाऊंगी। और अब ये एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसमें, तो इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी डार्क आप इन्हें ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो घी है ये गर्म तेल है, तो बाहर निकालने के बाद इसकी कुकिंग प्रोसेस थोड़ी देर के लिए चलती ही रहती है। वैसे ही इनका खस्तापन भी आपको ये जब एकदम गर्मा गर्म है तब पता नहीं चलेगा। तो अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो तलते समय आपको लग सकता है कि ये खस्ते नहीं बने हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप वीडियो में बताए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो और इन्हें बनाते हो तो ये खस्ते ही बनेंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आपको इनका खस्तापन अच्छे से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये शक्करपारे ठंडे हो गए हैं, अब मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लेयर्स बने हैं और ये बहुत ही खस्ते हैं। तो क्यों, सोच रहे हो ना आज ही इन्हें बनाने का? हाँ हाँ, ज़रूर ट्राई कीजिए। और कैसे बने आपके शक्करपारे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो पर लाइक करें, और भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।